हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे है कि आज मालदीव री ओपन फॉर टूरिस्ट। मालदीव जो है टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है। इंडिया जो है एक स्पेस बबल क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पर बबल कहने का मतलब क्या हुआ? बबल का मतलब यहाँ पर कोई वाटर बबल यानी बुलबुला से नहीं है, बल्कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि इंडिया का कोई एक शहर है जो पूरी तरीके से ठीक है, तो शहर को ओपन कर दिया जाए, मतलब कि ना वहाँ बाहर से कोई आदमी आए, ना वहाँ से कोई बाहर जाए, वो शहर ओपन रहेगा, वहाँ का मार्केट वगैरह ओपन रहेगा। तो क्या होगा कि वहाँ तो कोई कोरोना वायरस का केस है नहीं, इस कारण से वहाँ संक्रमण फैलेगा नहीं। तो एक तरह का बबल क्रिएट हो गया। उसी तरह से इंडिया का कहीं दूसरा शहर भी ऐसा होगा, कोई तीसरा शहर भी ऐसा होगा। तो ये सब छोटे छोटे बबल हैं। तो जैसे जैसे मान लें कि ये बबल को बड़ा करते जाना, बड़ा करते जाना मतलब कि इसके आसपास के एरिया भी ठीक होते हैं, तो इस बबल का दायरा को बढ़ा देना है। फिर अगल बगल का कोई गांव ठीक होता तो वहाँ भी बढ़ा देना, और ऐसे करते करते दोनों बबल मिल जाएगा, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस बबल से ये जो यहाँ पे एक बबल क्रिएट हुआ था, मतलब एक शहर से ये शहर, तो ये दोनों में आवागमन हो सकता है। मतलब रास्ते में नॉन स्टॉप यहाँ पे कोई यदि जा सकता है, ठीक है, तो बाई रोड तो नॉन स्टॉप जाना पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, तो बाई फ्लाइट जाएगा। तो बबल कहने का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे जो ठीक ठाक है सब कुछ, मान लीजिए कि एक मोहल्ला पूरा ठीक है, पूरा शहर में कोरोना वायरस फैला, लेकिन एक मोहल्ला ठीक है, तो उस मोहल्ला में सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन कर दिया जाए, मतलब उस मोहल्ले में जो कुछ भी होता था उसको ओपन कर दिया जाए, वहाँ के लोग बाहर ना जाए, बाहर से लोग वहाँ ना आए, लेकिन एक तरह का बबल क्रिएट हो गया। वही यहाँ पर दिखा रहा है कि मालदीव जो है ओपन हो चुका है टूरिस्ट के लिए, तो इंडिया एक एयर बबल क्रिएट करने वाला है, मतलब कि मालदीव्स और इंडिया में एक बबल इस तरीके से है ना। तो ये था पहले न्यूज़ से, आइए चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे है सीकिंग एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन मांगा MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। क्यों मांगा है? तो MHA का गाइडलाइन है कि अनलॉक टू में है ना, कि 31 जुलाई तक स्कूल को ना खोला जाए, स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं खोला जाए। लेकिन एक यूनियन टेरेटरी है लक्षद्वीप नाम का, जिसका राजधानी कावरती है, उसके द्वारा HRD मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा गया है, और वहाँ पर कहा गया कि हमको परमिशन दिया है स्कूल खोलने का। तो उसको परमिशन क्यों मिलना चाहिए स्कूल खोलने का? क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं अभी तक, मतलब लक्षद्वीप ही एक ऐसा जगह रह गया है। लक्षद्वीप इज द ओनली रीजन इन इंडिया टू रिमेन कोविड फ्री, है ना। लक्षद्वीप ही एक ऐसा रीजन है इंडिया में जहाँ पर COVID-19 का केस एक भी नहीं है। HRD मिनिस्ट्री हैज रेफर्ड द रिक्वेस्ट टू MHA एंड हैजंट हर्ड फ्रॉम इट। हालांकि MHA जो है अभी उस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप के द्वारा ऐसा लिखा गया HRD मिनिस्ट्री को कि हमारे यहाँ तो कोई केस भी नहीं, हमको बिना मतलब के पनिशमेंट दिया जा रहा है सब कुछ बंद करके। आगे बढ़ते हैं, डे जी आफ्टर गिलानी लेटर। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ डिस्कस किए थे कि एक सेपरेटिस्ट लीडर, सेपरेटिस्ट मतलब कि भारत से अलग होने वाले जो लोग हैं, अलग होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सेपरेटिस्ट कहा जाता है। एक सेपरेटिस्ट लीडर थे गिलानी नाम के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के थे, J&K। इनका पार्टी का नाम हुर्रियत था, जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट होता है, POK में भी ऑपरेट होता है, और इंडिया में भी ऑपरेट होता है। हुर्रियत नाम का इनका पार्टी था। वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए थे, पोस्ट से रिजाइन कर दिए थे, तो उनके जगह पर कोई तो आएगा। तो अशरफ सेहराई नाम के कोई आदमी आया यहाँ पे, अशरफ सेहराई, और उनको PSA के तहत बुक कर लिया गया है। PSA एक्चुअली है क्या? तो जैसे इंडिया में बाहर में NSA है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसी तरह जम्मू कश्मीर में PSA लागू होता था, अभी भी लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग संविधान था, इसलिए अलग वहाँ पे नाम रखा गया। उसी एक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लागू किया गया था। ये 1978 में लाया गया था, एक्चुअली देखा जाए तो 8 अप्रैल 1978 को ये एक्ट आया था। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहने का मतलब डिटेंशन क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो डिटेंशन कहते हैं किसी को जेल में रखना, कैद में रखना, है ना। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को कैद में रखना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हुआ? तो किसी को ये बोल के कैद में रखना कि तुम जुर्म करने वाले हो, मतलब किसी को ये बोल देना कि तुम जुर्म करने वाले हो, है ना, इसलिए जो उसको तुमको हम जेल में बंद कर रहे, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यही मतलब होता है कि किसी को जुर्म करने के पहले ही बंद कर देना, ये कह के कि तुम जुर्म करने वाले हो, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो 8 अप्रैल 1978 को एक्ट लाया गया था, PSA जो एक्ट, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू है। 8 अप्रैल 1978 को लाया गया था, ये लाया गया था शेख अब्दुल्ला के द्वारा। शेख अब्दुल्ला वहाँ के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। और इसका मेन टारगेट क्या था, इस एक्ट लाने के पीछे मेन टारगेट था स्मगलिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर को स्मगल करने, काफ़ी लोग मतलब कि जंगल से लकड़ियाँ काट के उसको बेचते थे इलीगल रूप में, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक्ट लाया गया था। लेकिन बाद में इसका यूज होने लगा अपने ओपोनेंट पार्टी, जो विरोधी पार्टी, उसके नेता को बंद करने के लिए। 16 बरस से ज़्यादा के एज के जो लोग हैं, है ना, इनमें इसके तहत किसको बंद किया जाता है? 16+ एज के लोग को बंद किया जा सकता है, और 2 साल तक बंद किया जा सकता है बिना ट्रायल के। 2 साल तक बिना ट्रायल के बंद किया जा सकता है, और 2 साल पूरा होगा तो दोबारा PSA उस पर लगा दिया जा सकता है, मतलब कि उस पर दोबारा PSA लगाया जा सकता है, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट उस पर दोबारा लगाया जा सकता है यदि 2 साल तक
नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली विल फॉर्म आफ्टर डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो अभी वहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है। याद रखिए कि वहाँ का डिलिमिटेशन जो है 2011 के सेंसस के हो रहा है, 2011 के सेंसस के बेसिस पे हो रहा है। और पहला इंडिया में डिलिमिटेशन है 2011 के सेंसस के बेसिस पर। उसके पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था 2001 के सेंसस के बेसिस हुआ था। तो हम लोग डिलिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 82 डील करता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में डिलिमिटेशन से, मतलब लोकसभा डिलिमिटेशन से। और आर्टिकल 170 डील करता है विधानसभा में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट के, उसके डिलिमिटेशन से। ठीक है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 आर्टिकल 82 केंद्र सरकार का, 170 राज्य सरकार का है डिलिमिटेशन के लिए। और हालांकि डिलिमिटेशन जो है केंद्र सरकार ही करवाती है, लेकिन उसके बाद को मानना पड़ेगा राज्य सरकार को, यही है आर्टिकल 170 में लिखा हुआ। और डिलिमिटेशन काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट आएगा कि इतने दूर को इस लोकसभा में रखना है, इतने दूर को इस लोकसभा में रखना है, तो इसको कोर्ट में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन प्रोसेस को हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 82 है केंद्र सरकार का, आर्टिकल 170 है राज्य सरकार का। सबसे पहला जो डिलिमिटेशन हुआ था इंडिया में 1950-51 में हुआ था। हालांकि इस समय डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं हुआ था, ये राष्ट्रपति के द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रपति के ऑर्डर से हुआ था 1950-51 में। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में, ठीक है। उसके बाद पहला डिलिमिटेशन हुआ। तो डिलिमिटेशन अभी कंट्री में कितने बार हो चुका है, तो 52 में हुआ है, उसके बाद 63 में हुआ है, उसके बाद 73 में हुआ है, उसके बाद 2002 में हुआ है। चार बार डिलिमिटेशन हुआ है, 1952, 62, 73 और 2002, ये चार बार डिलिमिटेशन हुआ है। और देखिए हर बार किसी न किसी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है, जैसे 51 वाले के सेंसस के आधार पर 52 में हुआ, 61 वाले के आधार पर 63 में, 1971 का जो सेंसस था उसके आधार पर 73 में हुआ, और 2001 के सेंसस के आधार पर 2002 में हुआ। तो एक्चुअली तो देखा जाए तो 1981 और 1991 ये दो सेंसस के बाद कोई भी डिलिमिटेशन सेटअप नहीं किया गया है ना। दो सेंसस ऐसा रहा जिसके बाद कोई भी डिलिमिटेशन सेटअप नहीं हुआ। इसका रीज़न है कि 1976 में बोला गया था कि 25 साल तक 1976 में बोला गया 25 साल तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा, मतलब कि 1976 में 25 जोड़ दिया जाए तो 2001 होता है, यानी कि 2001 के सेंसस तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा, इसलिए 2002 में डिलिमिटेशन किया गया था। हालांकि 2002 में भी डिलिमिटेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं चेंज किया गया था, यहाँ पर बस बाउंड्री को आगे पीछे किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जितने सीट पहले थे उतना ही सीट रखा गया था, सीट को नहीं बढ़ाया गया था, बस बाउंड्री चेंज किया गया था। ठीक है, और 2001 में एक एक्ट आया था, एक अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, 84th अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं, 84वां संविधान संशोधन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके तहत कहा गया था कि 2026 तक जो सीट है ना लोकसभा में, जो सीट है 543, अभी 1971 के सेंसस के आधार पर होगा। तो याद रखिएगा लोकसभा में भी जो सीट का बंटवारा है 1971 के सेंसस के आधार पर, ये सिस्टम चलेगा 2026 तक। ठीक है, 2026 तक इसी सिस्टम पर चलेगा, 1971 के सेंसस के आधार पर। अब डिलिमिटेशन कमीशन में होते कौन कौन हैं, तो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा जो उस कंट्री के अभी जो इंडिया उस समय जो जिस समय डिलिमिटेशन हो रहा है उस समय इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि जो होंगे वो, उसके अलावा जो स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिस स्टेट में डिलिमिटेशन किया जा रहा है उस स्टेट के भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर होंगे, उनके द्वारा डिलिमिटेशन होता है ना। तो तीन आदमी डिलिमिटेशन कमीशन में मेनली होते हैं, उसके बाद बाकी सब स्टाफ होते हैं। ठीक है, तो 1971 के सेंसस के आधार पर अभी है ये, तो याद रखिएगा। और 84th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कहा गया है कि 25 साल और, यानी कि 1976 में 25 जोड़ दीजिए और फिर 25, यानी कि 2026 तक जो है सीट का बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ट्रंप पहली बार पब्लिक प्लेस में मास्क पहने हैं। ठीक है, एक हॉस्पिटल में घूमने गए थे, मतलब वहाँ पर निरीक्षण करने कुछ गए थे, तो कुछ इनके कुछ सहयोगियों के द्वारा बोला गया कि यहाँ तो कम से कम मास्क पहन लीजिए, तो फिर ये पहन लिया है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे दिखाया कपूर हवेली इन पाकिस्तान पेशावर फेस थ्रेट फॉर डिमोलिशन। तो जो हमारे यहाँ जो फिल्म एक्टर लोग हैं ऋषि कपूर, उसके बाद फिर हालांकि उनका तो डेथ हो गया, उनके जो भी फैमिली मेम्बर हैं या फिर वो पिछले 3-4 पीढ़ी से सब तो फिल्म में ही है, जैसे पृथ्वीराज कपूर के दौर से ही फिल्म में है। तो उनका घर था एक्चुअली पेशावर में था, पाकिस्तान के पेशावर में। आज़ादी के बाद वो लोग यहाँ पे आ गए, अपना सारा घर छोड़कर, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हवेली है। तो ये भी एक दिखाता है कि पार्टीशन कितना पेनफुल था हमारे लिए, वहाँ से लोग हवेली छोड़ करके यहाँ आए थे, बड़े बड़े घर छोड़ करके यहाँ आए थे, रास्ते में कई लोगों का डेथ भी हुआ, सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ था वहाँ से आने के लिए फिर यहाँ से जाने के लिए, और इसको गिराने के लिए वहाँ पे सोचा जा रहा है। एक्चुअली ये बहुत पुराना हो चुका है, अभी इसमें एक वहाँ का पेशावर का बहुत अमीर एक ज्वेलरी शॉप है, मतलब कि एक
सुनार बोल सकते हैं, जो ज्वेलरी वाला काम करता है, वो अभी इस घर पे कब्जा किए हुए हैं, है ना। उसका भी आई थिंक इसमें नाम भी कहीं दिया हुआ था। हाँ, हाजी मोहम्मद इसरार, उसके द्वारा भी एक ज्वेलरी शॉप है जो काफ़ी उस शहर का नामी ज्वेलरी शॉप है, उसके द्वारा भी ये हवेली है। और इसको गिराने बार बार, यही जो आदमी है ना, ये बार बार गिराने के लिए बोलता है कि इसको हमको मेंटेन करना है, इसको हमको मेंटेन करना है, गिरा करके एक नया मॉल बनाना है यहाँ पे। लेकिन जो इधर से कपूर जो है, इन लोग मतलब कि ऋषि कपूर, अनिल कपूर, ये सब पाकिस्तान गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे थे उसी समय जिस समय नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो बोले थे कि इस हर घर को हम लोग म्यूजियम बनाने के लिए सोच रहे हैं, है ना। बस इन लोग का कहना था कि उसको गिराइए मत, उसको आप इस तरीके से यूज करते हैं क्या कहिए, लेकिन गिराइए मत, ठीक है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, उनके द्वारा भी कहा गया ऋषि कपूर को, है ना, कि गवर्नमेंट विल कन्वर्ट हाउस इनटू म्यूजियम, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, हम भी चाहते हैं कि इसको गिराया ना जाए। एक यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है नेटग्रिड के बारे में, कि नेटग्रिड ग्रेट एक्सेस टू 14,000 होम पुलिस स्टेशन। तो 14,000 पुलिस स्टेशन का डाटा अपडेट किया गया नेटग्रिड पर, नेटग्रिड हैक किया। तो देखिए, जो भी हमारे यहाँ जो भी क्राइम होता है उसको, नेटग्रिड का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तभी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सारे पुलिस स्टेशन को आपस में लिंक कर दिया जा रहा है नेट के थ्रू, यानी कि कोई एक पुलिस स्टेशन का अपराधी है तो उसको दूसरे पुलिस स्टेशन वाला भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि सब सारे डाटाबेस को, जितने भी पुलिस स्टेशन में डाटा है, सबको एक ग्रिड पे लाया जा रहा है ताकि कोई भी एक्सेस कर सके, कोई भी पुलिस स्टेशन पूरे ऑल इंडिया के पुलिस स्टेशन से कहीं भी एक्सेस कर सके। तभी उस पर काम चल रहा है पूरी तरीके से, पूरे इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है। तो नेटग्रिड का फुल फॉर्म नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, और ये बनाया गया था 2008 के जो टेरर अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, उसके बाद बनाया गया था, ये सोचते हुए कि यदि इस तरह का डाटा रहेगा तो हेल्प मिलेगा, है ना। और वाकई ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, इससे 11 एजेंसी को डाटा शेयर किया जा सकता है। ईडी हो गया, एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, इस तरीके की 11 एजेंसी को डाटा यहाँ से शेयर किया जाता है नेटग्रिड से, बाकी आम लोगों को इसका एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते दूसरे न्यूज़ के साथ, पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी। पंजाब के फार्मर्स एक नया तरीका अपनाए हैं, मतलब कि नया नहीं, एक अलग तरीका अपना रहे हैं धान उगाने के लिए। उसका रीज़न है कि पहला तो लेबर का शॉर्टेज, दूसरा पैसा का शॉर्टेज, तीसरा कम पानी लगता है इसमें, और स्टबल बर्निंग करने का समस्या नहीं है। जैसे अभी धान रोपने के लिए क्या होता है कि पहले बीज बुना जाता है, फिर वहाँ पर छोटे छोटे जो पौधे उसको कवाड़ करके वहाँ से दूसरे जगह रोप दिया जाता है। अभी धान ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड। लेकिन अभी लेबर शॉर्टेज के कारण क्या हो, डायरेक्ट सीडिंग मेथड अपनाया जा रहा है, मतलब वहीं पे बीज बो करके छोड़ दिया गया, उसको उखाड़ करके दूसरे जगह नहीं रोपा गया। तो यहाँ पर लेबर शॉर्टेज आफ्टर द एक्सोडस ऑफ पैंडेमिक स्टक माइग्रेंट लेबर यहाँ से चल गए हैं, जिसके कारण से पंजाब के जो पैडी है, प्लांट पैडी यूजिंग द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, है ना, डायरेक्ट सीडिंग यहाँ पे किया गया है खरीफ सीजन में, जो ट्रांसप्लांटिंग वाला सीजन होता है तो वो नहीं किया गया है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बचा है इन लोगों का। जैसे कहा जाए कि एक किसान के द्वारा कहा है कि 30,000 रुपये पिछले बार वो लेबर पर खर्च किया था, इस साल जो है उसको 10,000 ही खर्च हुआ है, कुल मिला के 20,000 बच गया है। दूसरा बेनिफिट है कि इसमें कम पानी लग रहा है, लेस वाटर नीडेड फॉर इरीगेशन। और तीसरा कि जो है काटने के बाद, मतलब कि स्टेबल बर्निंग इसमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा स्टेबल बर्निंग का मेन रीज़न पंजाब में यह था कि टाइम नहीं मिल पाता था खेत को साफ करने के लिए। जैसे जब ये फसल पकता था तुरंत दूसरा फसल रोपना पड़ता था, उस बीच का एक टाइम गैप था, वो कम था, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि ये फसल जल्दी पक जाएगा और हमको टाइम गैप मिल जाएगा, तो इसके कारण से स्टेबल बर्निंग न करके आसानी से मैनुअली या फिर मशीन से ही खेत साफ करवा सकते हैं आग न लगा करके, है ना। तो तीसरा फायदा इसमें यह है। तो यह था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कहाँ गया, हाँ, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पार्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट बाय स्टेट एंड सेंटर। तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर दोनों मिल करके एक यहाँ पे अस्पताल बनाइए, जिसका नाम मतलब कि DRDO के द्वारा के लिए डेवलप किया गया है। DRDO का डेवलपमेंट है, एयरफोर्स का ज़मीन है, तो सरदार उसका नाम रखा गया, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, ठीक है। ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 10,000 बेड है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि 10,000 बेड है, इसको मात्र 12 दिन में बना दिया गया है, ठीक है। DRDO के द्वारा बनवाया गया है, मात्र 12 दिन में बना दिया गया है। और इसमें 10% बेड ऐसे जहाँ पे ऑक्सीजन का सपोर्ट है, लगभग 25,000 ICU वाले बेड हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसको DRDO की तरह बनवाया गया, जो ज़मीन जहाँ पे बना वो एयरफोर्स का ज़मीन था। DRDO के बारे में जान लेते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, और इसके जो अभी चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका काम क्या है, तो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, मतलब मिलिट्री के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करना। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1958 में इसको बनाया गया था, 1958 में इसको बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। आइए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अमीड डेल्यू असम फार्मर स्टैंड आउट विद फ्लड रेजिस्टेंस पैडी। तो असम के फार्मर के द्वारा एक नए तरह का पैडी का यहाँ पे खूब
उपजाया जा रहा है जो फ्लड रेजिस्टेंस है, मतलब बाढ़ आने पे भी वो नहीं गलेगा। मतलब बाढ़ आने पे नॉर्मली क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाता है, या तो खड़ा रहता है तो फसल वहाँ से उखड़ करके बह जाता है, ठीक है, और खड़ा रह भी जाता है तो फसल गल जाता है, ठीक है। तो एक नया वेराइटी का यहाँ पे पैडी रोपा जा रहा है जिसका नाम है, इधर कहीं दिया था, अच्छा मिल जाएगा, तो पढ़ते हैं। तो एक नीतू बोरा नाम का आदमी है जो एक रिस्क लिया पिछले साल, एक अनफेमिलियर वेराइटी रोपा है ना, जिसके बारे में पहले से जानता भी नहीं था, ऐसे वेराइटी को रोपा वहाँ पे। और बाकी लोग जो है उसको उससे इंस्पायर हो कि इस बार बहुत लोग ऐसा रोपे, मतलब कि फ्लड रेजिस्टेंट था, मतलब फ्लड में वो गलता नहीं था, ठीक है। कहा जा रहा है कि दिस पैडी सर्वाइव 15 ईयर अंडर वाटर, तो पानी के अंदर भी ये 15 दिन तक सर्वाइव कर लिया, कोई दिक्कत इसको नहीं हुआ, ठीक है। ही एड वर्चुअली ड्रैग नेवर, बाकी जो अपने नेवर था उनको भी वो जो है इंस्पायर किया इस तरह के फसल को रोपने के लिए कि फ्लड रेजिस्टेंस फसल आप लोग भी रोपिए। जो डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो डेवलप किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड मनीला बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मनीला में एक जो है, ठीक है, मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, वहाँ पे एक राइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा भी इसको डेवलप किया गया, तो ये दोनों मिल करके इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। चावल का यह नाम है स्वर्णा सुबल, जो भी मतलब कि जो जहान है, यदि न्यूज ऐसा आता है एग्जाम में कि ये किसी की न्यूज में था तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो जो ट्रेडिशनल यहाँ पे है कि फ्लड इंपैक्ट स्टडी देखा जाए, तो बी इंट्रोड्यूस द फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटी 2018 एंड 5.6 टन ऑफ राइस पर हेक्टेयर वाज द फर्स्ट फ्लड इंपैक्टेड स्टडी, ऑल्दो वी कैन नॉट कंपेयर द ट्रेडिशनल वेराइटी सिंस दे वर डैमेज। क्या कह रहा है कि हम लोग ट्रेडिशनल से इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल डैमेज कर हो गया था, है ना, जो ट्रेडिशनल वेराइटी, लेकिन ये जो है इतना फसल कम से कम दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि किसानों को न से हाँ कुछ तो मिलेगा ना, भले ही कम है, ठीक है, लेकिन न से हाँ कुछ तो है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, उसमें 25 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ जाता है, आसाम काफ़ी ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, इस कारण से वहाँ पे इस तरीके का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।